हाँ, तो पिछली क्लास में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन सी संख्याएं होती है। ठीक है, कौन कौन सी संख्या पढ़ी थी हमने? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ये सभी संख्याएं हमने पिछले क्लास में पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं इस प्रश्नावली के अंदर जो एक्सरसाइज है उनमें जो सवाल है उनको करेंगे आज। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 1.1 है, 1.1, इसको शुरू करेंगे हम। इसको शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल है हम पहले उनको कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो एक है उसको समझते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है एग्जाम्पल एक में कि निम्नलिखित कथनों को सत्य और असत्य बताइए। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताना है, तो ध्यान से सुनना। जो पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हमें क्या बोला है? पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या यह क्या प्राकृत संख्या होती है क्या? पहले यह देखो, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0, 1, 2 से लेकर अनंत तक। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, ये 1 से शुरू होती है। हमें क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है? क्या यह 0 प्राकृत संख्या है? नहीं है। इसलिए क्या नहीं होगा? यह कथन सत्य नहीं होगा। इसका पहला कथन असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय संख्या होती है क्या? प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय संख्या होती है। कथन हमें दे रखा है कि प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? माइनस अनंत से जो होती है, -2, -1, 0, 1, 2 से लेके अनंत तक। प्रमेय संख्या में क्या होते हैं? ये पूर्णांक शामिल होते हैं ना, ये हमने पढ़ा है पिछली वाली क्लास में। तो ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। अगला कथन है, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक प्रमेय संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है क्या? ये हमें देखना है। अब देखो, प्रमेय संख्या की क्या परिभाषा थी हमारे पास कि जो संख्या पी बट्टा क्यू के रूप में लिखें, जिस संख्या को हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह क्या होती है? प्रमेय संख्या होती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2/3, ये प्रमेय संख्या है, जबकि ये 2/3 इसके अंदर शामिल नहीं होता। यानी प्रत्येक प्रमेय संख्या, ये प्रत्येक के अंदर जो ये जो प्रमेय संख्या है यह पूर्णांक संख्या के अंदर शामिल नहीं है। तो इस प्रकार बहुत सारी संख्या ऐसी होगी जो इस पूर्णांक संख्या के अंदर शामिल नहीं होगी। जितनी भी भिन्नात्मक संख्या बट्टे वाली संख्या होगी वो इसके अंदर शामिल नहीं होगी। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल एक, सत्य और असत्य बताना था। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें दिया हुआ है, 1 और 2 के बीच में प्रश्न लिख रहा हूं मैं, 1 व 2 के बीच 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करो। 5 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी होती है प्रमेय संख्या? जिनको हम पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त करें, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो और क्यू क्या नहीं होगा, वहां पर 0 नहीं होगा। तो हमें 1 और 2 के बीच में 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखो, इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं, ध्यान से समझना, दो तरीके हैं इसके। ठीक है, 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है बीज की प्रमेय संख्या, तो इसके दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसको देखते हैं, मेथड फर्स्ट। पहले तरीके में देखो क्या करते हैं, अगर मान लो ये आर है, ये क्या है? एस। दोनों क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या के बीच में बीज की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और बट्टे में लगाते हैं 2। आर और एस, इन दोनों की ठीक बीज की संख्या कौन सी होगी? आर प्लस एस बट्टा 2। यानी 1 और 2, जो ये 1 है, अगर हम संख्या रेखा के ऊपर बात करें तो यहां मान लो 0 है, यहां 1 है, यहां पर मान लो कितना है? 2। तो इन दोनों के ठीक बीच में एक संख्या होगी, वह हम कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे और बट्टे में कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे। तो देखो कितना आएगा, 1, आर का मान कितना है? 1। एस यानी जो अंतिम संख्या है 2, इनके बट्टे में क्या लगा देंगे? 2। तो ये कितना आएगा? 3/2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? 3/2।
एक और दो के ठीक बीच में क्या मिलेगा, 3/2। देखो ये मान लो एक है यहाँ पर संख्या रेखा के ऊपर, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ना, ये एक यहाँ आ रहा है, ये दो यहाँ है, ठीक है, और ये दो यहाँ है, इन दोनों के ठीक बीच में क्या होगा, 3/2 होगा। हमें 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, फिर 1 और 3/2 के बीच की संख्या ज्ञात करते हैं। कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे और बट्टे में क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अभी की बार आर कितना है, 1, एस कितना, 3/2, और बट्टे में कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो अब दूसरी प्रमेय संख्या कैसे निकलेगी, 1+3/2, बट्टे में कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। इसको हल कर लो, हम 1 के बट्टे में 1 लगा सकते हैं, 1 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2 होगा, 1 × 2 = 2 प्लस में 3 × 1 = 3, और बट्टे में और क्या है इसके, 2 और है। इसको हल करते हैं, 2 और 3 कितना होगा, 5, बट्टे में 2 है, ये बट्टे वाला जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा, 5/4। ये 5/4 कहाँ पर होगा, 1 और 3/2 के ठीक बीच में, 5/4। ठीक इसी प्रकार 3/2 और 2 के बीच में हम क्या कर सकते हैं, इनकी बीच की संख्या प्राप्त कर सकते हैं, जो कि क्या होगी, 1 और 2 के बीच में होगी कहीं ना कहीं। तो 2 पहली संख्या कितनी है, 3/2, दूसरी कितनी है, 2, और बट्टे में क्या लगाना है आपको, 2 लगाना है। फिर इनको हल करते हैं, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 2 और 1 को 1 का लघुत्तम 2 आएगा, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, बट्टे में कितना है, 2, तो 3 और 4 कितना होगा, 7, बट्टे में 2 ये है, ये 2 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, इस 2 से गुणा हो जाएगा, कितना आएगा, 7/4। ये कहाँ पर मिलेगा हमें, 3/2 और 2 के बीच में, 7/4 यहाँ मिल जाएगा। कितनी संख्या प्राप्त होगी हमें, 3 संख्या प्राप्त हो गई, 1 और 2 के बीच में 3 संख्या प्राप्त हो गई। हमें 2 और प्राप्त करनी है, वो 2 हम कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ वाली प्राप्त कर लो, या यहाँ वाली और यहाँ वाली, कोई सी भी प्राप्त कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच की संख्या प्राप्त करते हैं, 1 और 5/4 के बीच की संख्या। तो आर 1 होगा आपकी बार, और एस कितना होगा, 5/4, और बट्टे में कितना होगा, 2 होगा। तो इस 1 के बट्टे में 1 लगा सकते हैं, 1 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा। ऊपर देखो, 1 × 4 कितना होगा, 4 होगा, 5 × 1 + 5, और बट्टे में कितना आएगा, 2 आएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बट्टे में 4 है, और ये 2 ऊपर आने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 4 से गुणा हो जाएगा, कितना मिलेगा, 9/4 × 2 कितना आएगा, 8। तो ये कहाँ पर होगा, 5/4 और 1, इन दोनों के बीच में कितना मिलेगा हमें, 9/8, ये होगा 9/8। ठीक इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी हम क्या कर सकते हैं, एक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो कर लेते हैं, 7/4 + 2, और बट्टे में कितना आएगा, 2 भी, इन दोनों के बीच की संख्या प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ो और बट्टे में क्या लगाओ, 2 लगाओ। बराबर 2 के बट्टे में 1 लगा सकते हैं, 4 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा। 1 × 7 = 7, 2 × 4 = 8, बट्टे में कितना है, 2 है। इसको हल करते हैं, 7 और 8 = 15, 4 है, और ये 2 ऊपर आने पर ये क्या होगा, 4 से गुणा हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 15/8। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कितना ही आएगी, 15/8। तो 1 और 2 के बीच में हमने 5 प्रमेय संख्या प्राप्त कर ली है, कौन कौन सी है, 9/8, 5/4, 3/2, 7/4 और 15/8। तो पहला तरीका तो ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका हम देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, इसका दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, हमें क्या करनी है, इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए आप क्या करो, 5 में 1 जोड़ो, कितना होगा, 6। जितनी हमें प्रमेय संख्या ज्ञात करनी हो उसमें क्या कर दो आप, 1 संख्या जोड़ दो। हमें 5 ज्ञात करनी है, हम 5 में 1 जोड़ते हैं, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को क्या करना है आपको, दोनों संख्याओं के ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है। यानी हमें क्या करना है, इनकी तुल्य संख्या बनानी है, 1 और 2 की हमें क्या करनी है, तुल्य संख्याएं बनानी है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं,
एक गुणा छह बट्टा छह लिख सकते हैं, भी हमने एक को ऊपर और नीचे छह से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समान संख्या से हमने ऊपर नीचे गुणा किया है, तो यह संख्या क्या बन जाएगी, छह बट्टा छह बन जाएगी। इसी प्रकार दो को हम क्या लिख सकते हैं, दो को क्या लिख सकते हैं, दो गुणा छह बट्टा छह, भी हमने छह से ऊपर नीचे गुणा क्यों कर रहे हैं, हमें पांच संख्या ज्ञात करनी है, हमने एक जोड़ा इसलिए कितना मिला छह, तो आप क्या करो दोनों संख्याओं को छह से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये इसका तरीका है। दो गुणा छह कितना आएगा, बारह, बट्टे में इसके भी कितना आएगा, छह आएगा। तो हमने एक को छह बट्टा छह लिखा, दो को बारह बट्टा छह लिखा। अब एक बार संख्या रेखा के ऊपर चलते हैं, ठीक है, संख्या रेखा के ऊपर देखो, यहाँ मान लो जीरो है, यहाँ एक है, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, इस प्रकार यह संख्या रेखा है। हम क्या करते हैं, पूरी संख्या रेखा में छः का भाग लगा सकते हैं ना, पूरी संख्या में छः का भाग लगाएंगे तो जीरो बट्टा छः तो कितना होगा, जीरो होगा, एक बट्टा छः, दो बट्टा छः, तीन बट्टा छः, चार बट्टा छः, पाँच बट्टा छः, छः बट्टा छः, ठीक है, ये कितना होता है, एक। इसी प्रकार सात के बट्टे में छः, सभी के बट्टे में क्या लगा रहे हैं, छः लगा रहे हैं, ठीक है। बारह बट्टा छः कितना होगा, दो, ये दो होगा, ये कितना होगा, एक। हमें क्या करना था, एक और दो के बीच में पांच प्रमेय संख्या ज्ञात करनी थी, है ना, तो एक और दो के बीच में देखो ये कितनी संख्या है, पांच संख्या है जो कहां पर है, एक और दो के बीच में ही है, तो ये क्या हो जाएगी, एक और दो के बीच में पांच प्रमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये तरीका भी लगा सकते हैं और ये तरीका सबसे बेस्ट है, ये लगा सकते हैं और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दो संख्याओं के बीच में, दो क्रमागत संख्याओं के बीच में जितनी चाहे उतनी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली संख्या कितनी होगी, सात बट्टा छः, दूसरी संख्या आठ बट्टा छः, इसको हम काट सकते हैं, तो दो से काट सकते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, दो से काटो, दो दूनी चार, ठीक है, फिर दो का भाग लगाएंगे आठ में, तो कितना आएगा, चार, और छः में लगाने पर कितना आएगा, तीन, दूसरी संख्या ये मिल जाएगी, ये दोनों भी आपस में कट सकते हैं, तीन से, तीन का भाग नौ में लगाने पर तीन, छः में लगाने पर कितना आएगा, दो। तो इस प्रकार हम इनको आगे लिख देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये भी इसका सही उत्तर है। आइए दोनों एग्जाम्पल समझने, अब हम आगे इस प्रश्नावली को करते हैं। प्रश्नावली 1.1 में जो पहला सवाल है वह हमें दे रखा है कि क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है, ठीक है, ये हमें पहले बताना है, फिर हमें बताना है क्या इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते। तो शून्य हमने देखा था कि प्रमेय संख्या के अंदर शामिल होता है, हमने जो संख्याएं पढ़ी थी उसमें हमने क्या किया था, शून्य को प्रमेय संख्या के अंदर शामिल किया था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि शून्य एक प्रमेय संख्या है, और हम इसे P बटा Q के रूप में लिख भी सकते हैं। भी हम जीरो को P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे, P का मान कितना होगा, जीरो होगा। हमें प्रमेय संख्या के लिए क्या परिभाषा होती है कि जो नीचे वाला Q होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस Q की जगह एक भी लिख सकते हैं या फिर दो, कुछ भी लिख दो, है ना, जीरो के अंदर किसी भी संख्या का भाग लगाएं तो हमेशा वो कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो बट्टा एक, जीरो बट्टा दो, बहुत प्रकार से लिख सकते हैं, अतः इसका ये उत्तर क्या हो जाएगा कि हम जीरो को P बट्टा Q के रूप में लिख भी सकते हैं। तो ये इसका पहला सवाल हो जाएगा, हमें केवल भाषा के रूप में लिखना है, शून्य को, शून्य एक प्रमेय संख्या है तथा इसको हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीरो बट्टा एक, जीरो बट्टा दो।
ये इसका पहला सवाल है। इसका जो दूसरा सवाल है वह कह रहा है कि तीन और चार के बीच में, तीन व चार के बीच में छह प्रीमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने एक एग्जाम्पल किया था, उसी प्रकार है, दो क्रमागत संख्या है और इन दोनों के बीच में हमें क्या करनी है, छह प्रीमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने जो सेकंड तरीका लगाया था वो तरीका इसके अंदर काम लेंगे। क्या करेंगे, हमें छह प्रीमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो एक काम करो आप, छह में एक जोड़ो तो कितना हो जाएगा सात, सात से क्या करो आप तीन को भी ऊपर नीचे गुणा करो और चार को भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो क्या बन जाएगी, तीन और चार की तुल्य संख्या मिल जाएगी। तो देखो तीन बराबर क्या होगा, तीन गुणा सात बट्टा सात, हम क्या कर रहे हैं तीन की तुल्य संख्या प्राप्त करेंगे। यहाँ पर तीन गुणा सात कितना होगा, इक्कीस बट्टे में कितना है सात। इसी प्रकार चार की भी तुल्य संख्या प्राप्त करते हैं, चार गुणा सात बट्टा सात कितना होगा, सात चौक अट्ठाईस बट्टे में कितना आएगा सात आएगा। अब देखो हमें क्या करना है, तीन और चार के बीच में छह क्या करनी है, प्रीमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो कौन सी हो जाएगी वो देखो यहाँ पर, तीन इसका मतलब क्या है इक्कीस बट्टा सात, चार का मतलब क्या है अट्ठाईस बट्टा सात, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कौन कौन सी संख्या होगी, बाईस बट्टा सात होगी, तेईस बट्टा सात, चौबीस बट्टा सात, पच्चीस बट्टा सात, छब्बीस बट्टा सात और सत्ताईस बट्टा सात, ये क्या होगी, इक्कीस बट्टा सात और अट्ठाईस बट्टा सात के बीच में संख्या ही होगी, और इक्कीस बट्टा सात का मतलब तीन है, अट्ठाईस बट्टा सात का मतलब क्या है चार, तो तीन और चार के बीच में जो छह प्रीमेय संख्या होगी वो कौन कौन सी होगी, बाईस बट्टा सात, तेईस बट्टा सात, चौबीस बट्टा सात, ये सभी क्या होगी, इनके बीच की प्रीमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर इनको और हल करके लिखें तो बाईस और सात ये दोनों आपस में निकट लेंगे नहीं, तो ये ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है, कोई भी संख्या नहीं कटेगी, है ना, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि तीन बट्टा पांच और चार बट्टा पांच, ये सवाल है ऐसा ही कि तीन बट्टा पांच व चार बट्टा पांच के बीच हमें क्या करनी है, पांच प्रीमेय संख्या ज्ञात करनी है, इनके बीच हमें पांच प्रीमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें भी वही तरीका लगेगा, अभी दोनों के अंदर देखो बट्टे वाली संख्या समान है और ऊपर वाली संख्या में क्या है क्रमागत संख्या है तीन, इसके बाद में क्या है चार है, तो इसमें भी वही काम करेंगे, हमें पांच प्रीमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, पांच में एक जोड़ेंगे कितना होगा छह होगा, छह से हम क्या करेंगे दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो तीन बट्टा पांच को हम क्या करेंगे छह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो सत्ती है अठारह, सपंजे कितना होगा तीस। इसी प्रकार चार बट्टा पाँच को करेंगे, तो चार बट्टा पाँच को हम क्या करेंगे छः से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, कितना होगा छः चौके चौबीस, छप्पन से कितना होगा तीस। तो तीन बट्टा पाँच का मतलब क्या है अठारह बट्टा तीस, और चार बट्टा पाँच का मतलब है चौबीस बट्टा तीस, चौबीस बट्टा तीस, तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्या होगी, उन्नीस बट्टा तीस, बीस बट्टा तीस, इक्कीस बट्टा तीस, बाईस बट्टा तीस, ठीक है, फिर तेईस बट्टा तीस और आगे है चौबीस बट्टा तीस, ये संख्या है यहाँ पर, तो ये पांच संख्या क्या होगी, इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या होगी प्रीमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर आगे लिखें तो उन्नीस बट्टा तीस आपस में कटेगा नहीं, तो ये तो उन्नीस बट्टा तीस है, इन दोनों को काट सकते हैं, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा दो बट्टा तीन, इन दोनों में देखो तीन का भाग जा रहा है सात है इक्कीस और तीस को काटने पर कितना आएगा दस, इन दोनों में दो का भाग जा रहा है तो ग्यारह धूनी बाईस पंद्रह धूनी दस, और ये कटेगा नहीं तेईस बट्टा तीस, ये क्या हो जाएगा इनका उत्तर हो जाएगा कि तीन बट्टा पाँच और चार बट्टा पाँच के बीच पाँच प्रीमेय संख्या ये होगी, ठीक है।